कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आऊं आप सभी के लिए 100 घंटे की बैटरी बैकअप देने वाला नेकबैंड जो आरडी की तरफ से है। सो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आरडी की ब्रांडिंग है। सो आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लें ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आरडी की ब्रांडिंग है, वन स्टेप हेड स्मार्ट हैंडसेट वायरलेस K4। यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखोगे तो आरडी मोबाइल एक्सेसरी ट्रस्टेड ब्रांड मिल जाता है देखने के लिए। बॉक्स पे देख सकते हैं काफी अच्छा लुक मिल जाता है नेकबैंड का। दोस्तों यहाँ पे पीछे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको आरडी की ब्रांडिंग मिल जाती है। EQ सपोर्ट है इसमें। यहाँ पे आपको मिलता है टेक्निकल पैरामीटर। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए पहले फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे इसी नेकबैंड के बारे में। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पैकिंग काफी अच्छा है इसका, प्लास्टिक लगाकर कवर किया गया। तो पहले मैं प्लास्टिक को निकाल लेता हूं और यहां से प्लास्टिक निकाल लेता हूं पहले मैं। इसमें आप देखोगे तो डबल पैकिंग मिल जाता है। सो आपको इसको अंदर से ऐसा खींचना है। सो दोस्तों यहाँ से ऐसा खींचने के बाद ये बाहर आता है और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार लुक मिल जाता है नेकबैंड का। यहाँ पे मिलता है एक माइक्रो डाटा केबल, उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो दो एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैक किया गया है नेकबैंड को। दोस्तों इसकी जो बेल्ट की क्वालिटी है सिलिकॉन बेल्ट मिल जाता है और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है, तो काफ़ी खूबसूरत भी लगता है और लुक काफ़ी अच्छा है इस नेकबैंड का। प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है इसके ऊपर और यहाँ पे ये काफ़ी बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आरडी की ब्रांडिंग है तो यहाँ पे आरडी मिल जाता है देखने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा पैकिंग मिल जाता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि वायर निकलने का चांस बहुत कम होता है। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल पैनल के पास आप देखोगे तो यहाँ पे जो बटन मिलता है, यहाँ पे 4 बटन मिल जाता है, बीच में बटन मिलता है माइनस और प्लस। यहाँ पे आपको जो बटन मिलता है ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है। माइक्रोफोन जो इसका मिलता है यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। और यहाँ पे जो नीचे के साइड में बटन मिलता है यहाँ पे देखे तो EQ कंट्रोल मिल जाता है इसमें। सो ये काफी काम का है और काफी बढ़िया भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो माइक्रो चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। दोस्तों वायर की क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है इसमें, सिलिकॉन वायर है काफी स्ट्रॉन्ग है तो खराब होने का बिल्कुल चांस नहीं है वायर का। यहाँ पे जो बटन मिलता है इससे साउंड क्वालिटी कम ज्यादा कर सकते हो आप, कॉल रिसीव कर सकते हो, सॉन्ग चेंज कर सकते हो, सॉन्ग स्टॉप भी कर सकते हो यहाँ से आप। दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर ले इसके बड्स की तो मैं बता दूं आपको, इसमें जो बड्स मिलते हैं काफी छोटे छोटे मिल जाते हैं और काफी अच्छे तरीके से कानों में फिट बैठ जाते हैं। पूरा मेटल है ये बड्स, मेटल मिल जाता है पूरा। इसमें मैग्नेटिक है ये, आप ऐसा छोड़ दोगे ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। और इसका जो मैग्नेट है काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ये काफी बढ़िया लग रहा है मुझे इसमें। यहाँ पे जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया वायर नीला कलर में मिल जाती है और यहाँ पे जो इसमें बटन्स मिलते हैं ये भी नीले कलर में मिल जाते हैं, तो काफी बेस्ट लुक देता है ये इस नेकबैंड को। गले में भी काफी अच्छे तरीके से फिट बैठ जाता है ये। और यहाँ पे देख सकते हो आप गले में डालने के बाद एक लॉकेट के जैसा फिट होता है ये, यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इसको जैसे कान से निकाल के छोड़ दोगे लॉकेट के जैसा, यहाँ पे आके ऑटोमेटिक मैग्नेटिक है तो चिपक जाता है ये, तो काफी बेस्ट भी लगता है ये। क्योंकि 5.1 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है इसमें, तो कनेक्टिविटी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी तेजी से फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है ये नेकबैंड। दोस्तों ये 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीटली चार्ज हो जाता है ये नेकबैंड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके ट्रांसमीटर डिस्टेंस की तो मैं बता दूँ आपको 10 मीटर का ट्रांसमीटर डिस्टेंस मिलता है इसमें। एक बार अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हो आप तो 10 मीटर तक का दूरी तय कर पाओगे इस नेकबैंड से। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके फ्रीक्वेंसी रेंज की तो 20Hz मिल जाता है देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके माइक सेंसिटिविटी की तो 42 सपोर्टेड है माइक इसके अंदर। दोस्तों इस नेकबैंड में DC आउटपुट 5 वोल्टेज का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया इसमें EQ मोड मिल जाता है, तो EQ मोड से आप क्या कर सकते हो इसको अलग अलग तरह के साउंड का एंजॉय कर पाओ, 5 तरह का साउंड क्वालिटी चेंज कर सकते हो यहाँ से इस बटन से आप। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे EQ मिल जाता है, जैसा कि EQ बटन से पॉप रॉक जैज बेस कैंट्रीज इन 5 तरह के साउंड को आप चेंज करके सुन पाओगे इस नेकबैंड में, अलग अलग साउंड का एंजॉय कर पाओगे आप इस नेकबैंड से। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ इस नेकबैंड की बैटरी कैपेसिटी की तो मैं बता दूँ आपको 300mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है ये नेकबैंड। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ इसके बैटरी बैकअप की तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया 100 घंटे की बैटरी बैकअप क्लेम करती है कंपनी, बट ये नेकबैंड 80 या 85 Hz का बैटरी बैकअप देने वाला है। यानी अगर एक बार आप इसे चार्ज कर लेते हो तो आसानी से 85 घंटा कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, 8 से 9 दिन 10 दिन कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। और कंपलसरी आप 10 घंटा इसे यूज़ कर रहे हो तो 4-5 घंटा यूज़ करोगे तो आसानी से आप 1 महीना लगा देगा ये ख़त्म होने में। सो बैटरी बैकअप के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका।
सिलिकॉन बेल्ट है, काफ़ी अच्छे तरीके से गले में बैठ जाता है दोस्तों। इसका सबसे जो मेन चीज़ होता है वो होता है इसका साउंड क्वालिटी। तो पहले मैं चेक करूँगा इसकी साउंड क्वालिटी को, फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो चलिए पहले फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ इसको पहले अपने मैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों इस बटन से ऑन ऑफ होता है, जैसे इसको आप ऑन करोगे यहाँ पे एक काफ़ी शानदार छोटा सा इंडिकेटर मिल जाता है देखने के लिए। सो दोस्तों जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया इस वाले बटन से ऑन होता है, पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। सो जैसे कि देख सकते हैं ऑन हो गया है, और अब मैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ इसको पहले। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल शो कर रहा है K4, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेयर ऑफ कर लेना है। पेयर ऑफ होने के बाद यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो आप 60% अभी भी मेरा बैटरी चार्ज है। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा फोन के साथ कनेक्ट कर लिया इसको, और टेस्ट कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को। सो चलिए टेस्ट करते हैं फिर इसकी साउंड क्वालिटी को। वाव, काफ़ी तगड़ा साउंड क्वालिटी यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बेस वगैरह जो इसमें मिलता है ना, काफ़ी तगड़ा बेस मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया E2 बटन है, तो यहाँ से मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ क्या वाकई में चेंज होता है सॉन्ग या फिर नहीं होता है। पॉप, रॉक, सब कुछ काम कर रहा है दोस्तों। बटन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, साउंड क्वालिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो यहाँ से आप, और काफ़ी बेस्ट भी लग रहा है। साउंड क्वालिटी काफ़ी तगड़ा है, और कानों में काफ़ी अच्छे तरीके से ये बैठ जाता है जाके। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे बर्स्ट मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से कानों में बैठ जाते हैं दोस्तों। कॉलिंग वगैरह पर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, कॉलिंग पर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता इस नेक बैंड में। सो दोस्तों फाइनली काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इसका। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको 6 महीने की गारंटी में आता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वापस आपको रिप्लेस करके नया मिल जाता है ये नेक बैंड। जैसे कि साउंड नहीं आ रहा है, या फिर बैटरी कम चल रही है, या फिर बैटरी बैकअप बिल्कुल दे ही नहीं रहा है, या फिर चार्ज नहीं हो रहा है, तो रिटर्न करके वापस आपको नया मिल जाता है। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर ले, दोस्तों में भी शेयर करें। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, प्लीज सपोर्ट करिए।